अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। आज हम बनाएंगे ऑमलेट पराठा। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये नॉर्मल आटा जो हम यूज़ करते हैं घर में, एक कप वो है, एक कप मैदा, थोड़ा सा ऑयल इसमें यूज़ होएगा, और ये हरी प्याज है, और प्लस हरी प्याज और इसके अंदर ही वो दूसरे दिन जो मेरी प्याज थी ना कच्ची वाली तैयार हो गई थी वो लेके आई हूँ। इसमें पुदीना और थाइम है, और ये थोड़े से टमाटर और हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, ये दादर मिर्च है, साथ में नमक, और एक जाएगा इसमें अंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अंडा। अब इसमें जाएगा ऑयल, ये देखिए, एक और दो चम्मच ऑयल जाएगा, और इसमें जाएगा नमक। अब हम इसको विक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा एक कप दूध, अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नॉर्मल जो गंदम का आटा है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसके ये लम्स वगैरह नहीं बढ़ने चाहिए। चाहे आप उसमें मतलब बिटर मशीन में कर लें, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। जितनी अच्छा सा ये मेल्ट होगा और पराठे उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसमें जाएगा मैदा, क्योंकि इसका बैटर ज़रा थिक लग रहा है, इसको ज़रा और थोड़ा सा पतला करने के लिए। बस आपने ये देखना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा, हमारे पराठे भी उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये हरी प्याज, साथ में इससे जाएंगी टमाटर, और ये थोड़ी सी रेड चिलीज हैं, और ये थोड़ी ग्रीन चिलीज हैं, ये जाएंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें वो कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी, इसलिए आपने चेक कर लेना है। कि आप लोगों पे अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको सिंपल बनाना है या ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। और अगर किसी को अंडा पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अंडे के साथ ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये एक टीस्पून ही मैंने डाली है, और एक टीस्पून इसमें जाएगा ये सफ़ेद ज़ीरा, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, क्योंकि इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। पैन रख ले, पैन आपको लगे कि जब गर्म हो गया ऐसे हाथ आपको हीट फील होगी, तो फिर आपने इसमें ये बैटर तैयार हो चुका। ये देखिए 10 मिनट के लिए हमने इसको रखा था, अब हम इसको इसमें डालेंगे पराठा बनाने के लिए। करके दिखाऊंगा कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपने सारे पराठे बना लेने हैं। पराठे बना के फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पराठे भी तैयार हो चुके हैं, ये देखें, बहुत ही अच्छे और मज़े के ये पराठे बनते हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, बहुत ही यूनिक और ईजी रेसिपी है। तो आप अपने बच्चों को ये ऑमलेट पराठा बना के ज़रूर दें, साथ में चटनी है।
एज अ रिक्वायर्ड है, आप चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं या लस्सी के साथ खाएं, आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।